Hey guys, welcome back to my channel. In my previous video, I have asked you to guess a celebrity to whom I am going to draw. So it's Hiba Bukhari, my favorite, the one from Ramzeshk and Diwani drama. So today we are going to draw a portrait by grading method or by measurement, by graph, कुछ भी कह सकते हैं. सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमने प्रिंट है हमारे पास एक पिक्चर, इसको जो है हमने इसके ऊपर ग्राफ बनाना है. एक एक इंच का जो है मैंने डिस्टेंस रखा है. ये देखिए एक साइज की जो है 8 inches है, तो एक एक इंच का सबसे पहले मार्क कर लें. अब जो है दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से एक एक इंच का डिस्टेंस मार्क करना है. अच्छा देखिए ये 9 inches से जो है थोड़ा बड़ा है साइज, तो हम इसको नीचे वाली साइड को जो है लेफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, और ऊपर वाला हमें फेस कंप्लीट चाहिए, तो हम ऊपर से हम रखेंगे 9 inches का. ठीक है, ये वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखनी है. इसमें बहुत अच्छी आसान ट्रिक्स बताएंगे छोटी छोटी, कि जिससे जो है कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकता है आसानी से, मतलब जिसकी ड्राइंग अच्छी हो, जो ऑलरेडी ड्रॉ करता हूँ. अच्छा ये देखिए 9 inches का ही हमने रखना है. ऊपर से 9 inches से स्टार्ट किया मैंने, और नीचे का थोड़ा सा स्पेस जो बचा है वो हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि फेस आना ज़रूरी है. अगर नीचे की जो है नीचे का एरिया, अगर हाथ है जो भी है पिक्चर के अंदर, अगर वो थोड़ा नहीं भी आया तो प्रॉब्लम नहीं होगा. देखिए दोनों साइड से जो है 9 inches का मार्क कर लिया. अब जो है इसके ऊपर हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ करनी है, जो हम लोगों ने निशान लगाए थे एक एक इंच के फासले से, उनको मैच कर लें आपस में, ताकि ऊपर जो है ग्राफ बन जाए, जिसकी वजह से हम आसानी से पिक्चर ड्रॉ कर सकें. Okay, tell me in the comments which one is your favorite drama of Hiba Bukhari. जैसे हिबा बुखारी ने जितने भी ड्रामे किए हैं सभी अच्छे थे. गोली बानो, सिलसिले, रमजेश और दीवानगी फितूर. बट माई पर्सनल फेवरेट है सिलसिले एंड दीवानगी. सिलसिले ड्रामा मुझे बहुत पसंद था, उसका OST भी मुझे बहुत पसंद था. ले चलूं तुमको, ले चलूं तुमको जमाने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे. एक तुम ही तो बसे हो मेरी सांसों में पिया, इस चाहत पे इनायत पे जो हैरान हो तुम. इस सॉन्ग की सबसे अच्छी बात है इसकी लिरिक्स. वैसे पाकिस्तान के ज़्यादातर सॉन्ग्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि उनकी लिरिक्स बहुत अच्छी होती हैं, अल्फाज जो होते हैं ना सीधे दिल पे जाके लगते हैं. सैड सॉन्ग्स पे भी ना आधा घंटा रोने के बाद याद आता है कि ना हमारा ब्रेकअप हुआ है ना हमारा कोई एक्स है. अच्छा ये मैं ग्रेडिंग जो है स्केचबुक पे हमेशा इसी तरीके से करती हूँ, इसलिए ताकि जो है बिल्कुल सेम डिस्टेंस रहे, मतलब जो जिस तरीके की ग्रेडिंग प्रिंट के ऊपर है उसी तरीके की हमें बिल्कुल उसी साइज़ के बॉक्सेस स्केचबुक पे चाहिए, ताकि हम लोग जब ड्रॉ करें प्रिंट से देख के तो कोई जो है मेजरमेंट में कोई मिस्टेक ना हो. क्योंकि जो है पोर्ट्रेट ड्राइंग आई थिंक ज़्यादा मुश्किल होती है. जो पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकता है वो कुछ भी ड्रॉ कर सकता है. अगर आप फेस किसी का सही ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो फिर आप सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं. क्योंकि मेरे लिए भी जो है मतलब पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में ये होता है कि थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए. अगर हम लोग कुछ और ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, कार हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, या हम लोग कोई एनिमल ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी जाए ना, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बर्ड ड्रॉ की है, तो अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत उसके पर इधर उधर हो गए या उसकी आँखें छोटी हो गई, कुछ भी मसला हो गया ना, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, वो बर्ड ही रहेगी फिर भी. लेकिन जो है इंसान की जो मतलब शक्ल होती है, अगर हम इंसान को किसी को फेस ड्रॉ कर रहे हैं, पोर्ट्रेट ड्राइंग अगर हम किसी की कर रहे हैं, तो उसमें जो है बिल्कुल भी डिफरेंस का चांस नहीं होता. अगर उसमें ज़रा सा भी डिफरेंस आ जाए ना रियल से, तो फिर वो इंसान नहीं लगता. मतलब इंसान तो होगा वो, लेकिन वो कोई और इंसान लगेगा. तो पोर्ट्रेट ड्राइंग आई थिंक बहुत ज़्यादा मतलब मेजरमेंट के साथ करनी चाहिए. तो अगर कोई आपको पे कर रहा है पोर्ट्रेट बनाने के लिए, तो उसको अपना काम ही परफेक्ट चाहिए होगा. तो वो ये नहीं देखेगा कि हाँ चलो कोई मसला नहीं है, अगर पिक्चर में मैं थोड़ी चेंज भी लग रही हूँ, मतलब स्केच में मैं नहीं भी लग रही, तो कोई मसला नहीं है. वैसे भी हम लोग जो है ये एक मतलब आई थिंक कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट है, या हमें जो है ना अपने जैसा कोई और नहीं लगता ज़्यादातर. मतलब दूसरे लोग मिलाते रहते हैं कि इस सेलिब्रिटी में मिलती हो तुम,
या किसी दूसरे इंसान ने मिला रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो है ना खुद अपना फेस किसी और की तरह नहीं लगता। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि हम अपने फेस को बहुत गौर से देखा हुआ होता है बहुत बार, तो हम अपने फेस पर अच्छे तरीके से पता होता है कि कैसा है हमारा फेस, तो इस वजह से हमें अपने जैसा कोई और नहीं लगता। इसलिए अगर हमें स्केच बनाए ना तो ज़्यादातर ये होता है कि जिसका स्केच बनाए ना उसको थोड़ा बहुत चेंज ही लगेगा, वो मतलब उसको लगेगा नहीं यार मैंने ही, मतलब कि उसको अपने फेस का अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा, हमारी हमें अच्छे तरीके से पता होता है मेरी आँखें किस शेप की हैं, हमारी नाक होंठ अच्छे तरीके से, मेरे को मिरर में बहुत बार देखा हुआ होता है, काजल लगाते हुए मेकअप करते हुए अपनी शक्ल बहुत अच्छे तरीके से देखी होती है। तो स्केच में अगर ज़रा सा भी कुछ होगा ना, मतलब डिफरेंस आ रहा होगा रियल फेस से, तो फिर जो है जिसका स्केच होगा ना उसको जल्दी पता चल जाएगा। और वैसे भी बिल्कुल देखें कम्प्लीट तो आ भी नहीं सकता, क्योंकि पेंसिल का एक तो शेड का फ़र्क होता है, एक ग्रे होता है स्केच पेंसिल का जो है, और जो हम प्रिंट निकालते हैं प्रिंट वाले पिक्चर जो है थोड़ी ब्लैकिश होती है, इस वजह से भी मतलब थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये करना है, सबसे मेन बात है कोई भी चीज़ ड्रॉ करने की ट्रस्ट द प्रोसेस, मतलब यही सोचना कि अभी यार ये क्या बन रहा है। बस यहाँ से आप लोगों ने जैसे पिक्चर के ऊपर ग्रेडिंग दी हुई है ना, अब हम लोग देखेंगे कि किस बॉक्स के अंदर क्या है। देखें मैंने यहाँ पे नंबर्स भी ड्रॉ कर लिए हैं ताकि जो है आसानी हो, मुझे पता चल जाए कि किस जगह पे क्या ड्रॉ करना है, ठीक है, मतलब किस फेस कर्व किस तरीके से जा रहा है, आंखें कहाँ पे हैं, किस बॉक्स के अंदर हैं, बॉक्स में से देख देख के हम लोग ड्रॉ करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग एक बार जो है आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और वो अचानक से जो है पूरा स्केच बन के कम्प्लीट आ जाएगा। हम लोगों ने सिर्फ ये बेसिक आउटलाइन है, हम लोगों ने सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करनी है कि है क्या किस जगह पे चीज़। इसमें सारा काम जो है ना शेडिंग का है, ठीक है। अगर आपके ने आँखें जो है सही जगह पर ड्रॉ कर ली, नोज़ लिप्स और सब कुछ जो है मतलब फेस पूरा मतलब ठीक तरीके से अगर आउटलाइनिंग कर ली ना, फिर बाकी काम आसान है। क्योंकि मतलब जो लोग फोटो ड्रॉ करते हैं उनको शेडिंग तो आती होगी, बस ये मेजरमेंट का थोड़ा मसला हो जाता है, इसकी वजह से ये मेथड है, क्योंकि बहुत अच्छा मेथड है, इससे बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है, मतलब मैं इससे इसी तरीके से बनाती हूँ। इसी तरीके से हम देख के जो है बाकी भी पूरी आउटलाइन कर लेंगे, ये सिर्फ बेसिक आउटलाइन है, बार बार बोलेंगे कि मतलब सो देख के परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि ये क्या है ये क्या बन रहा है, बेसिक रूल क्योंकि यही है ट्रस्ट द प्रोसेस। अच्छा हिबा बुखारी के जितने भी ड्रामे अभी तक मतलब हिबा बुखारी ने प्ले किए हैं वो सब हिट ही गए हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर हर एक ड्रामा, तो बट स्टिल शी इज़ द अंडररेटेड वन, मतलब कि वैसे हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारी बहुत सारी अच्छी एक्ट्रेस हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, टैलेंटेड हैं, तो आई थिंक हिबा बुखारी इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, कि मतलब जितना वो काम करती हैं जितने अच्छे तरीके से, तो उनको जो है उसके हिसाब से रेटिंग नहीं मिलती। वैसे मैं हिबा बुखारी को एक एडवाइस भी देना पसंद करूँगी कि आप इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, आप अलग अलग टाइप्स के जो है रोल्स प्ले क्यों नहीं करती, मतलब कि एक ही टाइप का आपका करेक्टर होता है हर जगह, भोली बानो रमज़े इश्क फितूर दीवानगी, मतलब रोने वाला बेचारा वाला, तो इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं तो अलग अलग टाइप्स के रोल प्ले किया करें, मतलब करेक्टर्स ऐसे लगते हैं जैसे कि कॉपी पेस्ट किया हो अगर सारे इनके सीरियल्स देखें तो। कभी कभार इंसान जो है बोर जाता है एक ही तरीके के मतलब करेक्टर देख देख के, एक ही टाइप के ड्रामे देख देख के। वैसे पाकिस्तानी ड्रामे अभी के मैं बिल्कुल भी नहीं देखती, थोड़े बहुत देख लेती हूँ, दीवानगी मैंने थोड़ा सा देखा था और इसके अलावा जो है सिलसिले भी मैंने थोड़ा सा देखा था, लेकिन जो है मुझे ड्रामा देखना ज़्यादा पसंद ही नहीं है। हाँ मैंने देख कौन से ड्रामे देखे हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा शौक से देखे हैं, एक प्यारे उसको देखा है मैंने कम्प्लीट देखा है वो मैंने, और एक और ड्रामा देखा है मैंने दास्तान, मतलब ये दोनों ड्रामा बहुत बहुत अच्छे हैं। दास्तान ड्रामा जो है मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, बल्कि ये कहना सही होगा कि उसने मुझे ज़बरदस्ती दिखाया था तूबा ने, तो मैं भी सजेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को कि ज़रूर ज़रूर देखिएगा दास्तान ड्रामा, बहुत अच्छा है। अभी ये फेस बिल्कुल भी हिबा बुखारी नहीं है, ये सिर्फ आउटलाइन है, तो इसको आउटलाइन ही समझें। अभी हम इसकी शेडिंग करेंगे तो फिर देखिएगा आप रिजल्ट। हम लोग अब इसके ऊपर से जो है प्रिंट के ऊपर से मैंने ग्रेडिंग जो है रेस कर दी, जो हमने ग्राफ बनाया था फेस के ऊपर जो आ रहा था वो मैंने रेस कर दिया ताकि मैं ठीक से देख के शेडिंग कर सकूँ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं शेडिंग। अच्छा जो मेरे पास पेंसिल्स हैं ये हैं 7B 4B HB और जो है इसके अलावा सिंपल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मैं। अच्छा ये जो है फर्स्ट कंप्लीट पोर्ट्रेट ट्यूटोरियल है, क्योंकि मैंने कोई भी जो है आज तक यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं देखा, मतलब
या फिर तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, सुपर फास्ट होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो इससे मैंने ये किया कि जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी ना उनको मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया, जैसे कि सिर्फ कलरिंग थी, ड्रेस कलरिंग वगैरह, उनको मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया। लेकिन जो बिल्कुल मेन चीज़ है ना, मतलब फेस का स्ट्रेच है ना, उसको मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं किया, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। अच्छा, ये जो बैंड स्टंप मेरे पास है ये मेरा होम मेड है, मतलब ये बाजार से मैं खरीदा मैंने, तो इससे ही मैं बैंड करती हूँ, इसी से मैं बोटल्स बनाती हूँ। और ये रेज़र भी मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट की हुई है, टॉम्बो मोने रेज़र की जगह मैं ये रेज़र यूज़ करती हूँ। टॉम्बो मोने रेज़र आप लोगों ने देखी होगी अगर आप लोगों को मतलब स्केच में इंटरेस्ट है और आप लोग बनाते हैं या स्केचिंग करते हैं, तो टॉम्बो मोने रेज़र थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, इसकी जगह मैं ये वाली रेज़र यूज़ करती हूँ। जो मैंने अपने हिसाब से जो है अपनी नीड के हिसाब से छोटे छोटे पीसेज में कट की हुई है। और ब्लेंडिंग स्टंप्स मेरे पास काफ़ी सारे हैं जो मैं आप लोगों को अभी और दिखाऊँगी आगे वीडियो में कि किस किस तरीके के मैंने ब्लेंडिंग स्टंप्स बनाए हैं अलग अलग शेप के अपनी नीड के हिसाब से। इसके अलावा मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ, ये ब्रश पोस्टर कलर का नॉर्मल ओमेगा का ब्रश है, ओमेगा नायलन हेयर ब्रश। मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और ख़ास मटेरियल यूज़ नहीं करती, बस यही चीज़ें पेंसिल हैं मेरी, शेडिंग पेंसिल हैं, और जो है ब्रश है ब्लेंड करने के लिए, या फिर जो है ब्लेंडिंग स्टम्प्स हैं, रेज़र हैं, और सिंपल पेंसिल है, सिंपल रेज़र है, स्केल है। इसके अलावा जो है मैं फिंगर से ही ब्लेंड करती हूँ। अच्छा, ये देखिए एक आई हमारी ड्रॉ हो गई है। ये जो ब्लेंडिंग स्टम्प्स मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ, ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स ये होम मेड है, उनको बनाए हैं। और अभी ये जो आई के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प, ये बहुत ज़्यादा शार्प है, इसकी नेक जो है बहुत ज़्यादा शार्प है। और इसके अलावा ये रेजर्स हैं, छोटी छोटी रेजर्स जो कि मैंने हाईलाइट के लिए रखी हुई होती है। इसके अलावा मैं कोई एक्सपेंसिव मटेरियल, कोई रेजर पेंसिल या कुछ भी एक्स्ट्रा वाइटनर कुछ भी नहीं यूज़ करती, बस मैं यही चीज़ें यूज़ करती हूँ, यही से फोटो बनाती हूँ। और आप देखिएगा रिज़ल्ट कैसा होता है। लास्ट में आप लोगों के लिए एक और सॉन्ग है दीवानगी, दीवानगी ओएसटी, और मुझे दीवानगी ओएसटी बहुत पसंद है, वो आप लोगों के लिए जो है लास्ट में। हम लोगों ने जो है आउटलाइन की थी आईज की, और अब शेडिंग के बाद कितना रियलिस्टिक लुक आ रहा है, बिल्कुल जिस तरीके से हमारा प्रिंट है उसी तरीके की आईज लग रही है। आप लोगों को ये इस टाइप का यही ब्रश यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आप लोग मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट शेडिंग के लिए होता है, अगर हम लोगों को बिल्कुल लाइट सा शेड चाहिए, लाइट ब्लेंड चाहिए, तो उसके लिए जो है हम लोग ब्रश यूज़ करते हैं।
जहाँ पे मुझे थोड़ा डार्क और ज़्यादा ब्लेंडेड शेप चाहिए होता है वहाँ पे जो है ना सिंगल से ही ब्लेंड करते हैं, और जहाँ पे जो है बिल्कुल डिटेल्ड वर्क चाहिए होता है वहाँ पे ब्लेंडिंग स्टेंसिल यूज़ करते हैं। फेस को भी जो है आप लोगों ने ऐसे ही वाइट नहीं छोड़ना, यहाँ पे भी आप लोगों ने जो है शेडिंग करनी है। प्रिंट में से देखेंगे जहाँ जहाँ पे डार्क शेड्स हैं वहाँ पे हम लोग जो है पेंसिल यूज़ करके लाइट से शेड करके और फिंगर से ब्लेंड करेंगे। जहाँ जहाँ पे लाइट शेड्स पे जो है आप लोग रेज़र यूज़ करें, रेज़र से जो है उसको रेस करें और ब्रश के ज़रिए जो है सॉफ्ट ब्लेंड कर दें। जहाँ पे जो है डिटेल्ड वर्क के अंदर वाइट स्पेस है वहाँ पे जो है हम ये टॉम्बो मोना रेज़र की तरह जो छोटी छोटी रेज़र हैं ये यूज़ करेंगे। जैसे आप आई के पास देख सकते हैं वाइट स्पेस आ रहा है प्रिंट के अंदर, तो हम लोगों ने यहाँ से भी थोड़ा सा एरिया रेस किया। रेस करने के बाद हम लोग इसको ब्लेंड कर देंगे ब्रश से या किसी भी चीज़ से। डार्क शेडिंग्स की तरफ आते हैं ना तो फेस जो है दोबारा हमारा अफेक्ट होने लग जाता है फेस पे, जो है कि हमारे हाथ से टच होके शेड्स लग रहे हैं या फिर तो हमारे हाथ से टच होकर जो है ब्लेंड होने लग जाता है फेस। तो इसके लिए भी एक टिप है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। बस आप लोगों को फेस पे ये करना है कि रेज़र से जो है हाईलाइट एरियाज को हाईलाइट करना है और जो है फिर ब्रश से सॉफ्ट ब्लेंड कर देना है। ब्रश जो है बिल्कुल सॉफ्ट ब्लेंड के लिए होता है। Thank you.
लोगों ने जो है बेस बना ली है और उसके बाद जो है हम कुछ एरियाज को हाईलाइट करेंगे, जिस तरीके से प्रिंट में नज़र आ रहा है बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को हाईलाइट करना है। इसके लिए मैं वही छोटी छोटी रेजर्स यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पीसेज में कट की हुई हैं। अगर वर्क करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं।
अच्छा हमारा फेस अभी कंप्लीट ड्रॉ नहीं हुआ है, थोड़े से टचअप्स हैं वो हम लास्ट में करेंगे। आईब्रोज भी अभी रहती हैं, आईब्रोज भी हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे। फेस की काफ़ी स्केचिंग हो चुकी है और हमारा हाथ लग के वो ख़राब हो सकता है, इस वजह से मैंने एक सिंपल पेपर कोई भी उसके ऊपर रख दिया जो साफ़ हो, ताकि जो है हाथ लग के हमारा या बाकी ब्लेंडिंग करते हुए फेस ब्लेंड ना हो जाए या फेस के ऊपर जो है कुछ शेड्स ना आ जाए। तो जब तक हम लोग जो है बाकी एरिया ड्रॉ करते रहेंगे ये हम फेस के ऊपर रखेंगे, ताकि हमारा हाथ जो है फेस से टच ना हो, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से फेस ड्रॉ किया है वो ब्लेंड हो जाएगा सारा और फेस जो है कोई और ही फेस बन जाएगा, वो जिसका हम पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं या जिस तरीके का हमें चाहिए वो नहीं रहेगा। रखा हुआ कैद में है उसके मन में, कहीं उसे कहो दिल मेरा रिहा करे। अपना बना किया फना, तू ही बता थी कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी। पहले था चुराया जो घर था फिर बनाया, जो दिल वो ही क्यों तोड़ भी दिया है। दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया, जो फिर उसी को छोड़ भी दिया है। लगा गले जुदा किया, तू ही बता थी कैसी ये दीवानगी,
ओ बेवफा तेरी दीवानगी दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी। ले चलूं तुमको, ले चलूं तुमको जमाने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे, एक तुम ही तो बसे हो मेरी सांसों, चाहत पे इनायत पे जो हैरान हो तुम, थोड़े मासूम हो थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान हो, सांवरे चलूं मैं जग को नजर ना आऊं, रंग जाऊं मैं रंग में तेरे दुनिया को ठुकराऊं, थोड़े मासूम हो थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान हो, सांवरे 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 सावरे 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 सावरे।
है साइड के जो एरियाज हैं हम स्केल रख के जो हमारी शेडिंग बाहर निकल ली है उसको हम रेस कर देंगे एंड टाडा आवर पोर्ट्रेट इज कंप्लीटेड।